तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोल्हापुरी ठेचा। कोल्हापुरी ठेचा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च, लहसुन, शेंगदाने। शेंगदाने को हमने भून के इसके छिलटे निकाल लिए हैं, जीरा, नमक और राई का तेल। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम मिर्ची के इस तरीके से दो टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि हमें भूनने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे छोटी वाली मिर्ची ली है, ये तीखी होती है। आप चाहे तो बड़ी मिर्ची ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इस तरीके से हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से कट के यहाँ पे तैयार है दो टुकड़ों में। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे हम गैस पे। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हम इसमें अब डालेंगे तेल। राई का तेल मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो मीठा तेल भी ले सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। लहसुन इसे हम मिला लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची कटी हुई हमारी, इसे हम मिला लेंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। देखिए, इस तरीके से मिर्ची हमारी पक रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत तीखी तीखी। देखिए, अब ये तैयार है। हम इसमें शेंगदाना डालेंगे, इसे मिला लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। हम नमक थोड़ा ज़्यादा डालिए, इसका टेस्ट अच्छा बढ़ेगा नमक से, और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं लगेगा। इसे मिला लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल लेंगे। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। इस तरीके से हम पूरा इसमें डाल देंगे। देखिए, ये अब हमारा ठेसा पीस के तैयार है। आप इसे खलबत्ते में या सिलबट्टे में पीस सकते हैं, लेकिन हमने इसे यहाँ मिक्सी के जार में पीसा है, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो देखिए, हमारा कोल्हापुरी ठेचा यहाँ पे बनके तैयार है। आप इसे खिचड़ी, दाल चावल, रोटी या जवारी की भाकर के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, सब्जी से भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।